अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, प्रीवियस लेक्चर में F1 जनरेशन का डिस्कस किया था। तो मेंडल्स लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट में F1 का क्रॉस F1 के साथ करवाया जाएगा। F1 फर्स्ट पीरियड जनरेशन का क्रॉस जब करवाया जाएगा तो वहाँ पर जो रिजल्ट आया था F1 का वो ये आपके सामने है। तो F1 का क्रॉस F1 के साथ जब करवाएंगे तो ये है आपके पास राउंड येलो जो रिज़ल्ट आया था, और ये आपके पास राउंड ग्रीन, सॉरी राउंड येलो है ये। तो ये आपके पास है F1 क्रॉस। अब इसके सबसे पहले क्या बनेंगे, गैमेट्स। तो गैमेट्स बनाते हैं इनके। अब यहाँ पर आपके पास इसको लेंगे और इसके साथ और इस कैपिटल आर को लेंगे कैप स्मॉल के साथ, और इसी तरह स्मॉल वाई, और ये इस तरह से क्रॉस में इसको लिख लेते हैं कैपिटल आर कैपिटल वाई कैपिटल आर स्मॉल वाई स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल आर स्मॉल वाई। इसी तरह इसका हुआ, यहाँ पर भी आपके पास गैमेट्स जो बनेंगे वो हैं आपके पास कैपिटल आर कैपिटल वाई कैपिटल आर स्मॉल वाई स्मॉल आर कैपिटल वाई एंड स्मॉल आर स्मॉल वाई। तो ये आपके पास आ गए गैमेट्स। अब इन गैमेट्स को आपके सामने F1 का क्रॉस जब F1 के साथ कराया जाएगा तो नेक्स्ट आपके पास आएगा F2 जनरेशन। तो F2 जनरेशन जो है सेकंड फीलियर जनरेशन, अब ये इन गैमेट्स को मैं एक इस साइड पर लिखूँगी। ये है आपके पास पुनेट स्केयर, ये आपको नज़र आ रहा है पुनेट स्केयर, और पुनेट स्केयर में है चेकर बोर्ड। ये आपके पास चेकर बोर्ड है, इसको किस तरह से फिल करना है किस तरह से चेक करना है ये देखते हैं। तो गैमेट्स को मैं एक साइड पर लिख रही हूँ। यहाँ पर सबसे पहले आएगा कैपिटल आर कैपिटल वाई, इसको आप सर्कल कर रहे हैं। इसी तरह कैपिटल आर स्मॉल वाई स्मॉल आर कैपिटल वाई एंड स्मॉल आर स्मॉल वाई। अब इन गैमेट्स को एक इस साइड पर लिख दिया, और यहाँ पर भी इसी तरह से ऊपर लिख देंगे कैपिटल आर कैपिटल वाई एंड कैपिटल आर स्मॉल वाई स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल आर स्मॉल वाई। तो ये आपके पास आ गए गैमेट्स। अब इनका आप किस तरह से क्रॉस करवाएंगे, तो इसको पकड़ना है आपने, यहाँ से इसको लेना है और इसके साथ करवाएंगे तो आपके पास रिज़ल्ट क्या आएगा, कैपिटल आर कैपिटल आर कैपिटल वाई एंड कैपिटल वाई। तो केस क्या आएगा आपके पास, ये क्या है राउंड येलो, क्योंकि दोनों डोमिनेंट फॉर्म में है तो राउंड येलो आएंगे। तो मैं राउंड येलो को इस तरह से शो कर रही हूँ। नेक्स्ट आपने इसको दोबारा से ये लेके आपने इसके साथ करवाना है तो आपके पास रिज़ल्ट क्या आएगा, कैपिटल आर कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। तो यहाँ पर भी क्या आएंगे राउंड येलो, क्योंकि ये इसके ऊपर डोमिनेट करेगा, इसके एक्सप्रेशन को शो नहीं होने देगा तो राउंड येलो। फिर इसी तरह से कैपिटल आर इसका क्रॉस इसके साथ जब होगा तो रिज़ल्ट आपके पास आएगा कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई कैपिटल वाई। तो थर्ड रिज़ल्ट आपके पास दोबारा से क्या आया राउंड येलो, क्योंकि ये रिसेसिव फॉर्म में है तो ये इसका एक्सप्रेशन शो नहीं होने देगा, ये डोमिनेट करेगा। लास्ट है आपके पास आर कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। तो यहाँ पर भी केस क्या आया राउंड येलो। अब इसी तरह से आपने पूरे पुनेट स्क्वायर को चेकर बोर्ड को इसी तरह से फिल करना है। अब सेकंड केस को पकड़ेंगे और उसका करेंगे, ये है आपके पास कैपिटल आर, क्योंकि इस तरह से क्रॉस करवाना है आपने जो ऊपर लिखा हुआ है कैपिटल आर
कैपिटल वाई स्मॉल वाई, तो ये केस आपके पास क्या है, राउंड येलो। फिर आपने दूसरे के साथ कैपिटल आर स्मॉल वाई स्मॉल वाई, तो ये आपके पास आएंगे राउंड तो आएंगे, लेकिन अब क्योंकि स्मॉल वाई है तो ये किसका एलील थी, मैंने आपको स्टार्टिंग में और प्रीवियस लेक्चर में भी बताया था कि ये किसका है, ग्रीन का। तो अब यहाँ पर आपके पास राउंड तो होंगे लेकिन वो किस कलर के आएंगे, ग्रीन कलर के, क्योंकि ये रिसेसिव केस आ गया स्मॉल वाई, तो मैं ग्रीन को इस कलर से शो करूँगी, ये आपके सामने है। थर्ड वन क्रॉस करवाएं कैपिटल आर का और स्मॉल वाई का इसके साथ, तो केस आएगा कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, तो आपके पास क्या केस आएगा, ये भी आपके पास राउंड येलो होंगे, देख लें, क्योंकि जहाँ जहाँ डोमिनेट करेगा केस वहाँ वहाँ तो वो अपना ही कलर शो करेगा। लास्ट वन है कैपिटल आर स्मॉल वाई स्मॉल वाई, तो ये केस क्या आएगा, ये भी राउंड है और लेकिन कलर क्या है, ग्रीन, तो ये मैंने इसको ग्रीन कलर से कर दिया। थर्ड वन, इसको भी आपने उसी तरह से करना है, ये है आपके पास कैपिटल आर कैपिटल वाई, ठीक है। अब मैं जल्दी से इसको फिल करती हूँ, तो आपने एज इट इज़ जैसे मैंने आपको टू लाइंस में करके दिखाया आपने भी करना है, ये मैं जल्दी से फिल करके आपको दिखाती हूँ। तो ये मैंने आपके सामने पुनेट स्केयर को कंप्लीट किया है, यहाँ पर अगर आप केस देखें स्मॉल आर कैपिटल वाई येलो कलर के लिए और स्मॉल आर रिंकल्ड के लिए था, देखें येलो हैं लेकिन रिंकल्ड हैं, तो मैंने इसको ब्लैंक रखा है क्योंकि येलो को मैंने ब्लैंक रखा है। यहाँ पर भी सेम केस है, स्मॉल आर जो है वो रिंकल्ड के लिए था, येलो के लिए कैपिटल वाई आया तो वो येलो कलर का होगा। लास्ट वन केस जो है ये आपके पास राउंड येलो हैं, ये आपके पास राउंड ग्रीन है क्योंकि स्मॉल वाई है तो ये ग्रीन कलर के लिए था। अगर ये केस आप देखें तो ये है आपके पास रिंकल्ड के लिए और येलो के लिए वाई कैपिटल फॉर्म में आ रहा है, तो ये आपके पास क्या होंगे, रिंकल्ड येलो। एक आपके पास केस आया कि दोनों में रिसेसिव हैं, स्मॉल आर जो है रिंकल्ड के लिए है, स्मॉल वाई ग्रीन के लिए। तो अगर आप टोटल इसको करने के बाद काउंट करें तो आपके पास रेशियो आएगी 9331। देखते हैं किस तरह से 9331 आया, आपके सामने ये है, इसको मैं काउंट करूँगी राउंड येलो जो हैं वो देखते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो ये है राउंड येलो। तो रेशो में आप लिख लेंगे 9:3। अब 3 के लिए आपके पास क्या है, 1 2 3, ये हैं आपके पास राउंड हैं लेकिन किस कलर के हैं, ग्रीन कलर के, तो आपके पास रेशो आई 3। राउंड ग्रीन के बाद है आपके पास 1 2 3, ये हैं आपके पास रिंकल्ड येलो, तो ये आपके पास आ गई रेशो 3। और एक केस है आपके पास रिंकल्ड ग्रीन का, तो आपके पास रेशो आई 1। तो ये है आपके पास रेशो ऑफ दीज फिनोटाइप्स वाज 9331। और यहाँ पर आपके पास कहते हैं कि F1 जो सीड्स ग्रो इनटू प्लांट्स दे वर सेल्फ फर्टिलाइज द क्रॉस प्रोड्यूस्ड सीड्स विद 4 फिनोटाइप्स, देर वर 315 राउंड येलो सीड्स, 108 राउंड ग्रीन सीड्स, 101 रिंकल्ड येलो सीड्स एंड 32 रिंकल्ड ग्रीन, यानी रिंकल्ड ग्रीन का केस जो है वो कम है। तो रेशो आपने देखा, पुनेट स्केयर को आपने देखना है, ब्लू कलर का बॉक्स जो है उसको भी आपने लर्न करना है। अगर आप इसकी डेफिनेशन देखें तो अब आपको समझ आएगी, द एलील ऑफ अ जीन पेयर सेग्रीगेट, ये सेग्रीगेट करते हैं, सेपरेट होंगे इंडिपेंडेंटली सेपरेट होंगे फ्रॉम द एलील ऑफ अदर जीन पेयर। तो ये है हमारे पास मेंडल्स लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, इसका चेकरबोर्ड और पुनेट स्केयर बहुत जो है वो ज़रूरी है और ये लॉन्ग क्वेश्चन में आपको आएगा। राइट अ डिटेल नोट ऑन मेंडल्स लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, इसको लर्न करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।